केकड़ा बनाने के लिए पहले केकड़ा को उबाला जाता है। अब ये उबल चुका है तो चलिए इसको क्लीन किया जाए। बहुत आसान है ये। पहले हम यहाँ इसके ये पैर को अलग कर लेंगे, बस खींच लेना है इसे और ये आसानी से निकल आते हैं। यहाँ रबर लगा है तो इसे काट लेती हूँ। फिर इसे भी घुमाकर खींच लो और ये निकल आएगा। हो गया। ये देखिए, ये रहे सारे पैर। अब इसको साफ करने की बारी। पहले यहाँ से इसको दोनों साइड से खींचना है। ये देखो, था ना आसान? ये वाले पोर्शन को रख लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये जो साइड का पोर्शन है, पहले इसको निकाल लेना है। कुछ इसमें भी आ गया है तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं। डन। अब ये जो पोर्शन है इसको भी निकाल लेना है। डन। ये पोर्शन ईटेबल है तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हो, या फिर ऐसे ही पकाना है तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे ही पका लो। मैं इसके हमेशा छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसका करी बनाती हूँ। ये देखिए, हाथ से ही हो जाते हैं बहुत आसानी से, नो टूल्स रिक्वायर्ड। डन। अब ये पैर को साफ करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ ये अदरक कूटने वाला यूज़ कर रही हूँ। कोई भी भारी सी चीज़ जिसे आप इसको तोड़ पाओ, आप वो यूज़ कर लो। फिर पैर को लेकर उसको कूटन से हल्के हल्के से कूट लो, ताकि सिर्फ ऊपर का सेल का जो पोर्शन है वो टूट जाए। ये देखिए, फिर ये बाहर का सेल आसानी से निकल जाता है।
अभी ये जो पतले पैर है आप इसको चाहो तो पूरा तोड़ के निकाल लो, या फिर कुछ लोग इसको बस हल्का सा क्रैक कर लेते हैं और उसको ऐसे ही करी बनाते हैं। मैं दोनों ही करके दिखा देती हूँ आपको। अब ये जो बचे हुए पैर हैं इसको सिर्फ क्रैक करके छोड़ दूंगी। ये देखिए इसमें मैंने बस हल्का सा क्रैक किया हुआ है। अब यहाँ पैर का भी काम खत्म। ये देखिए इसमें मैंने बस क्रैक करके छोड़ दिया है और इधर मैंने पूरा साफ करके रखा हुआ है। अब ये जो है ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसे यूज करो। कुछ लोग इसको नहीं यूज करते हैं तो आप नहीं करो, छोड़ दो। और ये देखिए ये हो गया साफ, कितनी आसानी से हो गया। अब ये रेडी टू कुक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।